साहब, अगर 3 महीने आपकी आप असेंबलियां तोड़ देते हैं, 3 महीने आपकी हुकूमत नहीं रहती और फिर ज़ाहिर है कि केयर टेकर आ जाते हैं, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि विफाक में, सिंध में और जो है बलूचिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत इत्तेहादी, तो वो आपको मजीद टफ टाइम नहीं देगी? खान साहब के लिए मजीद टफ टाइम नहीं होगा? पीटीआई के लोगों के लिए घेराव उनका जो है मजीद तंग नहीं होगा? केसेस, तोशाखाना, ये वो बहुत सारी चीजें, अभी तो फिर भी कहीं ना कहीं स्टैंडिंग है पीटीआई की, उस वक्त क्या होगा? उन हालात के लिए तैयार है आप लोग? आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे, ये मेरी बात को पिक नहीं कर रहे हैं आप, इसको वेट। मैं कह रहा हूं कि ये भी हमारी हुकूमत भी नहीं थी और एक बंदे ने हमारी सिपाही पकड़ी थी, फिर भी हमने क्या किया, हम इलेक्शन जीत गए। सो बेसिक देखें, अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर भी 70% या 65% वोट हमारे साथ है और इनके साथ 22% है, तो फिर मैं समझता हूं कैसर शेख साहब को पता होना चाहिए, जाके पूछें कि वो हमारे साथ क्यों आ गए, इनके साथ क्यों नहीं है। इन्होंने बड़े काम किए, इन्होंने बिजली के प्लांट लगाए, इन्होंने सड़कें बनाई, इन्होंने मोटरवे बनाए, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, नेक बड़े थे, खानदान बड़ा अच्छा है, लायक बड़े थे, एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे थे, मियां साहब बड़े विजनरी हैं, तारीख के सबसे बड़े लीडर हैं। हुआ क्या? दौड़ क्यों गए? फारिग क्यों हो गए? इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आपके पास वोट क्यों नहीं रहा? आप इलेक्शन क्यों हार जाते हैं? सो आप अपना बयानिया आवाम को समझा क्यों नहीं सके? सारा मीडिया आपके साथ था, फिर भी आप अपना बयानिया नहीं समझा सके? शेख साहब, इजतमाई दानिश के सामने आप फारग हो गए, लोगों की नजर में आप फारग हैं, आपका जो आप आउटडेटेड पार्टी है। वजह यह कि यहां पे आप अपनी पार्टी को दे रहे हैं अपने बच्चों को, नलायक और करप्ट बच्चों को, चोर और ठग बच्चों को दे रहे हैं। जब चोर और ठग बच्चों को अपनी पार्टी या वोटर देते हैं तो ये अवामी मुफाद के खिलाफ है, अवाम आपको छोड़ गए। कैसर साहब, उन्होंने तो किससे ही मुका दिया, किससे ही मुका दिया, जमशेद साहब के खिलाफ है। लिहाजा आप एक मिनट करना, अच्छा एक मिनट जब करना, अच्छा मैं कह रहा हूं कि ये जो दो पिलर है आपकी फिलॉसफी है, टू पिलर फिलॉसफी है आपकी सियासत की, कि चोरी करो और बाद में लगा दो, ठीक है, और दूसरी बात कि बच्चों को विरासत मुंतकिल करो। ये दोनों चीजें अवामी मुफाद के खिलाफ हैं, आप अवाम के अपोजिट खड़े हो गए, अवाम एक तरफ खड़े हो गए, ठीक है। चले, अब आप रखता हूँ, आके को डंडा पकड़ के आपके साथ खड़ा हो जाए। चीमा साहब, मैं रखता हूँ, नहीं मैं रखता हूँ, आपके साथ खड़ा होगा जी शेख साहब।